नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के युवाओं के लिए कई सारी योजनाएं चलाई जाएंगी, जिसका सीधा लाभ पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के लोगों को मिलने वाला है। आपको बताएं कि जो लोग कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनके लिए अब ऑनलाइन क्लासेस और कोचिंग की भी सुविधा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से उपलब्ध कराई जाएंगी। कौन कौन सी योजनाओं का क्या क्या लाभ होने वाला है, आइए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। मुख्यमंत्री ने पिछड़े वर्ग और अति पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक की है। इस बैठक के में निर्देश दिए गए हैं कि सभी जिलों में अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य आवासीय प्लस टू विद्यालय खोले जाएंगे। नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिन जिलों में जन कल्याण कर्पूरी ठाकुर कल्याण छात्रावास निर्माणाधीन है, उसका निर्माण जल्द कराया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उन्हें जानकारी मिली है कि मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना से छात्र छात्राओं को काफ़ी लाभ हो रहा है और उन्हें इस बात की खुशी भी है। आपको बताते चलें कि नीतीश सरकार के फैसले के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावासों, जननायक कर्पूरी ठाकुर कल्याण छात्रावासों, परीक्षा परीक्षण केंद्र, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आवासीय प्लस टू उच्च विद्यालय, अनुसूचित जाति जनजाति के साथ अल्पसंख्यक छात्रावासों में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी हेतु ऑनलाइन क्लास और कोचिंग की सुविधा दी जाएंगी। तो इस तरीके से आपको बताएं कि ये एक पिछड़ा अति पिछड़ा का एक निरीक्षण था, जिस करने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन सब बातों का डिसीजन लिया है, यानी कि इन सब बातों के बारे में। अब ये को बताएं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस तरीके से इस बात की घोषणा कर दी है कि जो भी पिछड़े और अति पिछड़े जाति के लोग हैं, यानी जो युवा हैं, अगर वो पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए सब योजनाएं चलाई जाएंगी। और जो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, यानी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस की भी सुविधा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से अब दी जाने की बात कही गई है। आपको बताएं कि पिछड़ा अति पिछड़ा मंत्री रेणु देवी भी इस मौके पर मौजूद थे और उन्होंने कहा है कि मुझे काफ़ी खुशी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा इन सब योजनाओं को चलाया जाएगा, उन वर्ग को ऊपर उठाने की कोशिश की जा रही है जिसको हमेशा से दबाया गया है। पिछड़े अति पिछड़े और अनुसूचित जाति जनजाति वाले लोगों को आगे बढ़ाने का पूरा अवसर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दे रहे हैं, ऐसा रेणु देवी का कहना है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से भी कई सारी ऐसी योजनाएँ चलाए गए हैं जिससे कि जो निचली जाति के लोग हैं उनसे उठाने का काम किया जा रहा है। और आज एक बार फिर से एक ऐसा ही खबर हमें देखने को मिला है जब पिछड़े और अति पिछड़े जाति, अनुसूचित जनजाति वाले लोगों को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री की तरफ से कई सारी योजनाएं चलाई गई हैं। और भी ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ पीआर। धन्यवाद।